How to find out age of the fossil? Determination of age of fossils. Determination of age of fossils. फॉसिल्स की एज को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे बता पता लगा सकते हैं? तो देयर आर वेरियस टेक्निक्स, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग इज बेस्ड ऑन हाफ लाइफ पीरियड, half life period of radioactive substance. जो भी radioactive substance है उसकी half life के ऊपर based है radiocarbon dating। तो इसमें सबसे commonly जो use किया जाता है radio radioactive element जो सबसे commonly use किया जाता है, that is C14, तो इसको carbon dating कहते हैं। First one is carbon dating, which uses C14। Carbon का जो heavy isotope होता है C14, उसको use करते हैं। उसकी approximate half life period इसका है 5700 years, 5660 nearly। So, C14 कितने सालों के बाद N14 में कन्वर्ट हो जाता है? Gradually it changes into N14. So, if we find a fossil और उसमें एस्टिमेट किया जाता है कितना ट्रेस प्रेजेंट है N14 का या C14 का कितना ट्रेस है, और उसको 100% तक ले गए जो कैलकुलेशन की जाएगी, that will be the age of that particular fossil। उसके अलावा पोटेशियम आयन यूज किया जाता है, पोटेशियम आयन मेथड। ये दूसरा आइसोटोप है जो यूज किया जाता है। तो ये प्रोटीन है वो आयन प्रोटीन में चेंज हो जाता है, ये प्रोटीन चेंजेस इनटू आयन प्रोटीन, और इसका हाफ लाइफ पीरियड है 1.3 बिलियन ईयर्स, 1.3 billion years। तो इसकी हेल्प से हम फॉसिल के एज को फाइंड आउट कर सकते हैं। यूरेनियम लैड मेथड, थर्ड वन इज यूरेनियम लैड मेथड। तो जो यूरेनियम है U238 वो लेड 207 में चेंज हो जाता है, यूरेनियम 238 चेंजेस इनटू लेड 207। जब इसका डिके होता है तो इसमें ट्रांसफर हो जाता है, उसमें चेंज हो जाता है। एंड नाउडेज ईएसआर टेक्निक इज यूज, नाउडेज ईएसआर मेथड। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी स्पिन के रेजोनेंस को स्टडी किया जाता है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, उसकी लाइसिस बेस को स्टडी किया जाता है। ये सबसे एक्यूरेट और सबसे मॉडर्न मेथड है। डिटेल्स में भी जाने की जरूरत नहीं है, मोस्ट एक्यूरेट एंड रीसेंट मेथड। टू फाइंड आउट एज ऑफ फॉसिल्स, नाउ फॉसिल्स आर फाउंड इन डिफरेंट फॉर्म्स। ये चारों में हमने पता लगा लिया कि फॉसिल्स की एज को हम ऐसे ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कार्बन डेटिंग के थ्रू, पोटेशियम आयन के थ्रू, यूरेनियम लैड के थ्रू, या मॉडर्न मेथड यूज कर सकते हैं ईएसआर के थ्रू। हमने एज फाइंड आउट कर ली, बट इन व्हाट फॉर्म दिस फॉसिल्स आर फाउंड, दिस फॉसिल्स आर फाउंड इन डिफरेंट फॉर्म्स।
फॉसिल्स अलग अलग फॉर्म में मिलते हैं, गोल्ड के फॉर्म में हो सकते हैं, वो गास के फॉर्म में हो सकते हैं, वो इंग्लिश के फॉर्म में हो सकते हैं, वो बोन के पार्ट्स के फॉर्म में मिल सकते हैं. तो डिफरेंट फॉर्म्स दीज फॉसिल्स आर. Altered fossils, terrified fossils कहते हैं इसको. How fossils के बाद कौन से are found? Altered fossils, which are also known as terrified fossils. Altered or terrified fossils. Altered or terrified. Alteration क्या होता है? Change color. Normally जो hard part होते हैं फॉसिल के फॉर्म में मिलते हैं, बोन्स होती है, स्कल होता है, वो नॉर्मली फॉसिल के फॉर्म में मिलते हैं, जिसमें से ऑर्गेनिक मैटर कंप्लीटली रिमूव हो जाता है और सिर्फ इनऑर्गेनिक पार्ट बचता है. क्योंकि इनऑर्गेनिक पार्ट बचता है इसलिए वर्ड यूज किया जाता है टेरिफाइड, बिकॉज दैट इज कॉल्ड टेरिफिकेशन प्रोसेस. नॉर्मली बोन्स के फॉर्म में मिलते हैं. Fossils are found in the form of bones, where organic part, completely dissolved. They are completely lost, as you know, and only inorganic part remains. Only inorganic part remains. तो ऑर्गेनिक पार्ट डिसॉल्व होना वो प्रोसेस क्या कहलाते हैं? टेरिफिकेशन प्रोसेस उसको कहते हैं. तो दिस मेथड इज नोन एज टेरिफाइड टेरिफिकेशन टेरिफिकेशन प्रोसेस उसको कहा जाता है. सो सच फॉसिल्स आर नोन एज टेरिफाइड फॉसिल्स. दूसरा मोल्ड के फॉर्म में मिल सकते हैं. फॉसिल्स कैन बी फाउंड in the form of mold. जो hard और fossilized mud होती है उसमें exact copy मिल जाती है या replica मिल जाती है और उसके बाद से hard fossilized mud copy और replica of the organism is found. तीसरा इम्प्रिंट की फॉर्म में मिल सकती है. देखना देख कैन बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रिंट्स. मान लो कोई इंसेक्ट है वो किसी रोड पे है, वहां पे वो किसी रीजन से उसकी डेथ हो गई, तो ऐसा उसका इम्प्रिंट उस रोड के ऊपर आ गया है. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट गोस कवर्ड विद लेयर्स. उस फॉर्म में भी सोशल रिकॉर्ड मिल सकते हैं या इन डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ द सोइल. स्ट्रेटा स्ट्रेटा ऑफ सोइल रॉक्स में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था. एंड द प्रोसेस ऑफ फॉसिल फॉर्मेशन इज नोन एज फॉसिलाइजेशन. यहां जो मिलेगा वो ओल्डेस्ट होगा, यहां जो मिलेगा वो न्यूएस्ट होगा. And the process of fossil formation is known as fossilization. Process of fossil formation is known as fossilization. And fossilization is also a gradual, very slow process. It takes hundreds of years. Because rock formation, weathering process is very gradual, very slow process. Or because rocks ke layer from strata mein ho gaye hain, even also very process. So by these methods we can find out paleontological evidences. So fossils ke evidences hai unko hum study kar sakte hain, unko hum find out kar sakte hain. Now next one are embryological evidences. Ye jo development stage hoti hai, early development stage hoti hai organism ki,
उसके बेसिस पे भी हम ऑर्गेनिजम्स को कंपेयर कर सकते हैं, उसके बेसिस पे भी हम उनको स्टडी कर सकते हैं, एंड सच एविडेंसेस आर नोन एज एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। नाउ एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस by studying embryos from different organisms starting from fishes, reptiles, birds and human beings or mammals, we can say if we compare their embryos, they have certain basic characteristics like presence of gill slits and tail. So it also proves an evidence for evolution in such organisms. Embryological evidences. Embryological evidences. By studying the early embryo development in all the multicellular organisms, we can compare them. We can find out relationship between them. Studying early embryonic development, early embryonic development of multicellular organisms, development of multicellular organisms. आपने बताया सर हमें zygote formation होती है, zygote के बाद embryo बनता है, एम्ब्रियो के बाद मोरुला, ग्लैस्टुला, गैस्टुला, जंग लेयर्स की फॉर्मेशन होती है। तो ये सारे के सारे इवेंट सेम होते हैं, चाहे हम किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की लाइफ को स्टडी करें। ठीक है, तो अगर हम फिशेज से लेके मैमल्स तक, फिशेस से मैमल्स तक के एम्ब्रियो की कंपैरेटिव स्टडी करें, तो वी विल फाइंड सम फीचर्स लाइक गिल स्लिट्स, पैटर्न लाइक लार्वा इन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। फिशेस से लेकर मैमल्स तक सब में ये स्ट्रक्चर्स मिलती। Likewise, there is resemblance among invertebrate larvae, resemblance among invertebrate larvae की बात करें तो ट्रोपोफोर larvae होता है, ट्रोपोफोर larvae, हम ये इनवर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं, तो नया लार्वा पहला तो प्रोसेस में मिलता है, तो नया लार्वा जो स्टारफिश का बाई बाइनरी लार्वा होता है उसको रिजेंबल करता है, तो नया लार्वा पहला तो प्रोसेस, इट रिजेंबल्स बाई बाइनरी लार्वा, इट रिजेंबल्स बाई बाइनरी लार्वा of starfish, Titanoderms. Titanoderms के bi-binary larva को ये resemble कर रहा है binary larva, तो again it shows similarity. Based on these findings, Haeckel proposed. Haeckel said that he proposed biogenetic law. Haeckel's biogenetic law.
बायोजेनेटिक लॉ क्या कहता है, हेंकल ने जो प्रपोज किया बायोजेनेटिक लॉ सेज दैट ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट ऑफ ऑल एन ऑर्गेनिज्म रिपीट्स फाइलोजेनिक फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट. बायोजेनेटिक लॉ गिवन बाय हेंकल. ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट ऑन्टोलॉजी आपको पता है क्या होता है? ऑन्टोलॉजी अपने एंसेस्टर्स सॉरी खुद की लाइफ हिस्ट्री को स्टडी करना है. ऑन्टोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म उसमें क्या होता है? इट रिपीट्स रिपीट्स फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट. अपने एंसेस्टर की डेवलपमेंट को वो रिपीट कर रहे हैं ऑफ द स्पीशीज. ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिपीट्स फाइलोजेनिक डेवलपमेंट ऑफ द स्पीशीज. जैसे अगर मैं बात करूं टैडपोल लार्वा की, टैडपोल लार्वा की मैं बात करूं तो टैडपोल लार्वा में गिल्स होते हैं. टैडपोल लार्वा गिल्स की बात करूं गिल स्लिट्स होते हैं टैडपोल लार्वा. तो इससे क्या पता चलता है? इसके अलावा इसमें टेल भी होती है. इससे क्या प्रूव होता है कि दे डेवलप फ्रॉम फिशेस. इट गिव्स आइडिया ऑफ दैट एम्फीबियंस डेवलप फ्रॉम फिशेस. एम्फीबियंस डेवलप फ्रॉम फिशेस उनकी एंसेस्ट्री बता रहे हैं. एम्फीबियंस की जो डेवलपमेंट है वो फिशेस से हुई है. लेकिन इस बायोजेनेटिक लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया. इसको मॉडिफाई करके बेयर ने थोड़ा सा सब चेंज कर दिया. उसने क्या कहा? रिकैपिटुलेशन थ्योरी बना दिया. रिकैपिटुलेशन थ्योरी बेयर्स लॉ भी कहते हैं इसको. उसने कहा कि ठीक है कि जो ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्पेशली हायर ऑर्गेनिज्म की वो रिपीट करती है एम्ब्रियोनिक कैरेक्टर्स ना कि एडल्ट कैरेक्टर्स अपने एंसेस्टर्स. उसने कहा कि ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म्स रिपीट्स एम्ब्रियोनिक कैरेक्टर्स. रिपीट्स एम्ब्रियोनिक कैरेक्टर्स of lower forms or lower organisms. Higher organisms, lower organisms say embryonic characters for repeat characters, not adult characters, but not adult features. Adult features no more, nahi repeat characters. जैसे हार्ट का एवोल्यूशन की बात करें हम फिशेस से लेके अगर मेमल्स में हार्ट के इवोल्यूशन की बात करें तो टू चैम्बर से स्टार्ट होते हैं वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स हो जाता है फोर चैम्बर. राइट, सो इट गिव्स क्लियर कट प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन आल्सो. फिशेस से लेके और मेमल्स तक फिशेस टू मेमल्स हार्ट का इवोल्यूशन
two chambered, three chambered, three and half we can say, and then four chambered. So complexity will vary, but gradual evolution will occur. So it is said that ontology repeats phylogeny. Ontology repeats phylogeny. Ontology repeats phylogeny. तो हैकल ने बायोजेनेटिक लॉ दिया जिसको मॉडिफाई कर दिया बेयर्स ने एज रिकैपिटुलेशन थ्योरी और बायोजेनेटिक लॉ जिसको हैकल ने कहा था उसको ऑन्टोलॉजी रिपीट्स फाइलोजेनी में कन्वर्ट कर दिया. सो दीज आर एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस जो कि बेस पे डेवलपमेंट स्टडी पे डेवलपमेंट स्पीड ऑफ डिफरेंसी ओवर द पीरियड ऑफ. उसके बाद अगला जो हम डिस्कस करेंगे दे आर बायोजियोग्राफिकल एविडेंस. बायोजियोग्राफी क्या होती है? बायोजियोग्राफी इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन अर्थ. सो बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस विल डिस्कस बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस. बायोजियोग्राफी इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन अर्थ. और उसी डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे तो अर्थ की फॉर्मेशन हुई, अर्थ के डिफरेंट एरियाज बने, उसी हिसाब से बायोजियोग्राफी को स्टडी किया जाता है. तो इट इज आल्सो कॉल्ड एनवायरमेंटल इवोल्यूशन. एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से ऑर्गेनिजम्स इवोल्व हुए, उनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ.